हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी को प्यारे मेरे प्यारे बच्चे, सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर लिया होगा। और जिन बच्चों का आगे एग्जाम है वो बच्चे बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल भी पेपर ऐसा नहीं आ रहा है। जिन प्यारे बच्चों से बात हो रही है, देखो एक बात सुनिएगा ठीक है, जिनसे भी बात हुई है उन्होंने सभी ने यही कहा है कि भैया हिंदी 20 में से 20 कर सकता है, बस थोड़ा सा ही ध्यान रखना है ठीक है। कुछ भी नहीं आ रहा, बिल्कुल सिंपल गद्यांश आ रहे हैं, सिंपल बच्चों रिक्त स्थान आ रहे हैं, सिंपल पर्यायवाची आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा जिसमें आप फंस जाओगे, जिसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा ठीक है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है ठीक है दोस्तों। बिल्कुल अच्छा, ये बेटा अभी इसको भी चलते हैं ठीक है। बिल्कुल अभी और भी क्वेश्चन है वो दिखाएंगे, बहुत बढ़िया ठीक है। तो प्यारे बच्चे याद रखना, बिल्कुल पेपर ध्यान से देना, कुछ भी बिल्कुल मत घबराना, बिल्कुल लेवल नहीं बढ़ेगा ठीक है। जैसा आपने तैयारी की है वैसा आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक दिन एक दो क्वेश्चन है जो आपको थोड़े अलग है, वो क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूं। कल के एक बच्चा कह रहा था सर जी भैया ऐसे भी क्वेश्चन करा दो 2-4 ताकि हमें पता चल जाए ठीक है। तो बच्चे उनको भी हम करेंगे बहुत अच्छे से ठीक है दोस्तों। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय भीम, बच्चे नमस्कार ठीक है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पेपर देना। लेकिन बात सुनो, लेकिन सारे जो बच्चा पेपर दे के आता है सिर्फ वो आइडिया देता है कि भैया ऐसा भी क्वेश्चन था सर, ऐसे भी थे, ऐसे भी थे, है ना। संधि एक भी क्वेश्चन में, एक भी पेपर में नहीं आई है, ना समास आया है, ना बच्चों लिंग, ना वचन ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन तो बताया मेरे बच्चे कारक से, बच्चे ने ठीक है कारक से बताया है, क्रिया से बताया है और विशेषण से बता रहा है ठीक है। और बता रहा था कि भैया सर्वनाम से क्वेश्चन है ठीक है। इन 3-4 से क्वेश्चन आपको मिल रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मिल रहा है, ऐसा नहीं मिल रहा जिसमें आप फंस जाओगे, ये याद रखना ठीक है। थोड़ा मोटा मोटा सा नवीन सर ने इसके लिए क्लास करा भी दी थी रात को, है ना, रामबाण क्लास कराई थी। और फिर भी आप खुद भी इसको पढ़ लेना एक बार बहुत अच्छे से, बिल्कुल नहीं घबराना, कुछ भी नया नहीं है। जो क्वेश्चन है वो मैं आज लेकर भी आया हूं, आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन है वो आपको करने हैं ठीक है, क्लियर है ना। चले आगे, तो प्यारे बच्चे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं बहुत ध्यान से ठीक है दोस्तों। ट्रेन को लेकर के गद्यांश था, लेकिन बच्चा कोई भी बता नहीं पाता है पूरा, क्योंकि पेपर का जो हॉल होता है उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि बच्चा यदि याद भी रखे ना तब भी। बेटा शुद्धिकरण के ऊपर आज ही एक वर्तनी आई है ठीक है, जो मुझे एक बड़े बच्चे ने बताई है और मैं आपको इसे बताऊंगा ठीक है। बिल्कुल देखो, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया बच्चे, रिक्त स्थान से, खाली स्थान से क्वेश्चन है। तो सब लोग बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। रिक्त स्थान बहुत ही साधारण आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। जैसे बेटा कोई सफल, एक सफल के ऊपर क्वेश्चन आया तो सफल को उसने फे की जगह पे बना दिया, इतना सा त्रुटि थी, आप बना सकते हैं ना। बिल्कुल सब लोग बताइए दोस्तों। अभिषेक, निम्नलिखित वाक्य में खालिस्तान की पूर्ति करनी है, अभिषेक किसके घर चला गया, अभिषेक अपने आप घर चला गया, या अभिषेक इस घर चला गया, अभिषेक उस घर चला गया। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा एक बार सभी प्यारे बच्चे, तो आप अच्छे से जानते हैं, अभिषेक अपने आप घर चला गया। बिल्कुल, तो फिर राइट आंसर आपका क्या होगा मेरे दोस्तों, उपसर्ग प्रत्यय से बेटा कोई क्वेश्चन नहीं आया, किसी बच्चे ने नहीं बताया कि भैया उपसर्ग प्रत्यय से कोई भी क्वेश्चन नहीं था ठीक है। बिल्कुल, उपसर्ग मैं आपको बता दूंगा, उपसर्ग होता है किसी के पहले लगकर किसी शब्द में परिवर्तन करने वाला शब्दांश, और प्रत्यय होता है किसी शब्द के बाद में लगकर परिवर्तन करने वाला शब्दांश ठीक है। बिल्कुल, चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, गिलास तुमने तोड़ा। बेटा एक बात देखो, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो उसके अनुसार आपको इसकी पूर्ति करनी होगी ठीक है पेपर में। हाँ बेटा, शुद्धिकरण में बता चुका हूं, शुद्धिकरण आपको ऐसे ही याद रखना है, गलत मत करना मेरे बच्चे, शुद्धिकरण ठीक है। ये क्वेश्चन पहले एसएससी ने भी पूछ लिया था और भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना ठीक है। जब यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि गिलास किसने तोड़ा, तो आपको कहना चाहिए गिलास सर राहुल ने तोड़ा, दिव्या ने तोड़ा, रिया ने तोड़ा, जितेंद्र ने तोड़ा, उमा ने तोड़ा, आप आंसर देंगे है ना। बिल्कुल, तो मैंने आंसर क्वेश्चन किया आपसे ये गिलास किसने तोड़ा, तो आप आंसर देकर के आगे निकल जाओगे ठीक है। बिल्कुल प्यारे बच्चे, ऐसे ऐसे खालिस्तान पेपर में आए हैं, ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चन आया है बच्चे, इंद्र का पर्यायवाची बताओ, इंद्र का, ये आज की शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्त, आज ही के पेपर में आया है, बच्चे ने मुझे बताया था, बात करी थी मैंने ठीक है। तो उसने बताया भैया इंद्र का पर्यायवाची पूछा गया है, तो सब प्यारे दोस्त बताइए जल्दी से एक बार, सभी का आंसर आना चाहिए। सर कैमरा, कैमरा में क्या हो गया, ठीक नहीं है, हिल रहा है, अच्छा एक बार देख लीजिए भाई क्या दिक्कत है ठीक है। चलो क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए, कैमरा भले ही टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी करे, लेकिन आपको मतलब होना चाहिए अपने क्वेश्चन से बस ठीक है ना, बस क्वेश्चन आपका राइट आपको नजर आना चाहिए ठीक है बच्चे। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, एक बार सभी लोग बताएंगे कि भाई क्या इसका राइट आंसर है ठीक है। तो बच्चे आप सब लोगों का आंसर क्या होगा, पर्यायवाची बताइए। तो बच्चे इसको क्या बोलते हैं, आपको देवेंद्र की जगह सुरेंद्र भी मिल जाए तो आपको याद रखना है, सुरेंद्र भी इसका पर्यायवाची होता है, सुरेश भी इसी का पर्यायवाची होता है बच्चे ठीक है ना। बेटा अमरपति और ये जो है हमारे देवेंद्र है, और देवपति भी आ जाता है, देवपति
ठीक है, देवपति भी मिल जाता है दोस्तों इन्हीं का पर्यायवाची, देवराज भी मिल जाएगा, देवराज तो याद रखना प्यारे दोस्तों ये इन्हीं के हैं बच्चों। पुरंदर भी मिल जाता है, पुरंदर ये भी इंपॉर्टेंट होता है, पुरंदर किसका पर्यायवाची है, तो ये सभी किसके होते हैं, इंद्र के पर्यायवाची है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे ए और बी इसमें दोनों आंसर राइट है, ए और बी दोनों आंसर राइट होंगे आपका, ए बी और बी बी, ठीक है ना। गोविंद किसको कहते हैं, गोविंद बच्चे केशव को भी कहते हैं, ठीक है, केशव को भी कहते हैं बच्चे, और दामोदर को भी कहते हैं बच्चे, किसको, दामोदर। प्यारे बच्चे पीताम्बर भी कहते हैं, पीताम्बर है ना, याद रखना गोविंद के पर्यायवाची पूछे। माधव भी बोला जाता है, माधव, ठीक है दोस्त, केशव हो गया। प्यारे बच्चे चतुर्भुज भी इसी को कहते हैं, चतुर्भुज, ठीक है ना, चतुर्भुज। ये सभी किसके पर्याय होते हैं, ये सभी गोविंद के पर्यायवाची होते हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है, बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर आया बच्चे आपके सामने, देखो ये क्वेश्चन आपको देना है ध्यान, ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन जुड़ रहा है जो पेपर में, इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। बच्चे बता रहा था कि भैया क्रिया से क्वेश्चन में मिल रहा है, विशेषण से मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा ना। कमल का भी आया था बेटा, कमल का तो मैं कल ही बता रहा था, कमल तो आप सबको याद होगा, कमल का पर्यायवाची तो आपको सबको याद रखना है, सिंपल तो होता है बेटा, जिसको आप जलज भी बोलते हैं ना, जिसको आप नीरज भी कहते हैं, जिसको आप पंकज भी कहते हैं बच्चे, पंकज, जिसको आप इंदिवर भी बोलते हैं ना, बिल्कुल, जिसको आप नलिन भी कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चे, जिसको प्यारे बच्चे आप लोग सरोज भी कहते हैं, ठीक है, जिसको आप अरविंद भी कहते हैं, ठीक है, अरविंद भी कहते हैं, अरविंद, ठीक है, जिसको आप अरविंद भी कहते हैं, बिल्कुल याद रखना। तो बच्चे आपका आंसर आएगा, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द क्या है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। हाँ बेटा सफल को सफल लिख रखा था, इसको मैं बिल्कुल बताऊंगा, अभी रुक तो जाओ, पहले इन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा एक बार, सब लोग आंसर देंगे अच्छे से, ठीक है। हाँ उत्पल भी कहते हैं बेटा, पुंडरीक भी कहते हैं, कमल के बहुत सारे पर्यायवाची, जल में जन्म लेता है तो बच्चे वो क्या है, कमल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्त अत्यंत सुंदर गाती है, तो क्रिया कर रही है गाने की, लेकिन गाती कैसा है, अत्यंत सुंदर गाती है, तो आपको पता होना चाहिए क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, क्रिया का मतलब होता है कोई कार्य करना, ठीक है, बिल्कुल। और प्यारे दोस्त मैंने एक बात और बताई थी आपको, वह भी आप ध्यान रखना, मैंने आपको एक बात बताई थी सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाली, है ना, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, और अकर्मक का मतलब होता है कर्म के बिना, जहां पर कर्ता कर्म क्रिया ये तीनों मिलेंगे वहां पर प्यारे बच्चे सकर्मक क्रिया होगी, जहां पर केवल कर्ता कर्ता और क्रिया मिलेंगी बस दोनों। जैसे मैंने कहा राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, तो बच्चे आपको पता लग गया राम दौड़ता है, तो भैया राम हो गया कर्ता, दौड़ना होगा क्रिया, नहीं पता ना तो प्यारे दोस्त आपको याद रखना है ये भैया अकर्मक क्रिया है, ठीक है। मैंने लिखा मोहन अखबार पढ़ता है, मोहन अखबार पढ़ता है, मोहन अखबार पढ़ता है, तो प्यारे बच्चे आपको पता लग गया पढ़ना क्या है, क्रिया है, और क्या पढ़ता है, क्या का जवाब पूछ लीजिए आप, जहां पर क्रिया है ना, क्रिया से क्या कह करके पूछ लेना, क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या का जवाब मिल गया, मोहन करता हो गया किसी कार्य को करने वाला, आपका आंसर सकर्मक क्रिया हो गया, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। बताएंगे आप लोग यही चीज आपको दोनों ध्यान रखना, बस यही पूछा जा रहा है बस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चे याद रखना है क्रिया विशेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। चले आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 5, इसमें क्या पूछा है, इसमें क्या वाक्य के आए खाली स्थान के लिए सही शब्द का चयन करेंगे, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है डैश नाम श्याम है। अब आपके सामने आंसर है, जिसका नाम श्याम है, उसका नाम श्याम है, इसका नाम श्याम है, किसका नाम श्याम है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको किसमें मिल जाते हैं, सर्वनाम के रूप में मिल जाते हैं, सर्वनाम, सर्वनाम होता है उसका, ठीक है, उसका, मैंने कहा किसका, उसका भाई, तो उस सर्वनाम है, जब संज्ञा के स्थान पर हम नाम ना बोल करके उसका इसका, ठीक है, ऐसे बात करते हैं तो वो सर्वनाम होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। सर हिंदी का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, नहीं बेटा चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक दो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, 17-18 सब कर सकते हैं, ये करोगे 20 में से 20 भी, बच्चों से बात हुई है आज भी, मेरी बात हुई थी अभी पेपर आपके सेट से पहले, मन की भाई कैसा कैसा क्वेश्चन था, क्या क्या था, बोला सर कर तो सब 20 में से 20 करके आया हूं मैं भी, सब लोग कर सकते हैं, बस थोड़ा सा उनको ये सोच ही नहीं सोचना कि हम बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे, हमें भी पढ़ाई नहीं है, सब कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, अपना व्यवहारिक चीजें हैं, ठीक है, याद रखो। हाँ
तो प्यारे बच्चे आपको क्या कहने, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। आप दूर खड़े लड़के को बता रहे कि जिसने गुलाबी रंग की कमीज पहनी है ना उस लड़के का नाम श्याम है, तो आपका सीधा सीधा सा मतलब होता है। ठीक है दोस्त, बिल्कुल। तो प्यारे दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है इस प्रकार, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछेगा, आप जब जनरल ड्यूटी सिपाही बनेंगे, जीडी के सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं, तो आपको भी काम भी करना है, क्रिया भी करनी है, तो आपसे अधिकारी ऐसी तो बात करेगा, आपने क्या किया आज शाम, कि सर मैंने वो किया, कि आपने उसका काम किया, तो आपको आंसर देना होगा हाँ सर किया। तो बेटा हमारे नियम होते हैं, जनरल बोलचाल के जो शब्द हैं वो हमें याद रखने हैं परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। बिल्कुल घबराना कोई भी मत, कुछ भी नया नहीं आ रहा है, कभी आप बेफिक्र में परेशान हो जाएं। निम्न प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जब जहां पर हम आदेश देते हैं खुद नहीं करते, ठीक है। मैंने कहा ये मुझे नहीं करना, तुमसे करवाना है, ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बताया ये बात, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ बोलिए। तो बच्चे निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन से शब्द में है बताइए एक बार, सभी का आंसर आना चाहिए। प्रेरणा, प्रेरणा का मतलब होता है किसी से कोई कार्य करवाना। बेटा हलवा निकेत हलवा ही आ रहा है मेरे बच्चे, ठीक है। तो मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, बोलना, ठीक है, बोलना, बुलाना और बुलवाना, तीसरी जो बात आई वो प्रेरणा की तरफ ले गई हमको। तो मेरे बच्चे आंसर नंबर आपका आ गया ए, बिल्कुल यहां पर राइट, ठीक है। समझना, समझना, समझाना और समझवाना, ठीक है, समझना, समझना, समझाना और समझवाना दूसरे से कि आज कार्य कराइए, ठीक है दोस्त। तो प्यारे बच्चे वहां पर इसका तीसरा रूप प्रेरणार्थक हो जाएगा। मैंने कहा बैठना, बैठाना और बैठवाना, धुलना, धुलाना और धुलवाना, ठीक है, वहां पर भी आना। एक बात और याद रखना, जिसमें प्यारे बच्चे आना प्रत्यय लगा हो और प्यारे बच्चे लाना प्रत्यय लगा हो, ठीक है, तो मेरे बच्चे वहां पर याद रखना, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, याद रखेंगे, बिल्कुल। सुनना, सुनना, सुनाना, सुनवाना, क्लियर, ध्यान रखो, बिल्कुल। तो प्यारे दोस्त आंसर नंबर ए आपका यहां पर होता है प्रेरणा, प्रेरणा होता है किसी से किसी कार्य करने की सीख देना, ठीक है। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर आता है बेटा सात, देखो वे अच्छी लड़कियां हैं, वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण बताइए, विशेषण, और विशेषण आपको ध्यान से समझना, ये विशेषण कोई शब्द नहीं होता, विशेषण आपको याद रखना है सिंपल सी भाषा में विशेषता। भाई मैंने आपके बारे में कहा कि भाई ये जो शिवम लड़का है ये बहुत अच्छा है, तो मैंने आपकी जब अच्छाई बुराई भलाई गुण दोष बताया ना, तो वो आपका विशेषण है। जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द तो विशेषण कहलाते हैं, सीधी सी बात ये याद रखो आप लोग, ठीक है। बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि भी आप ये ग्रामर वाली भाषा सोच के समझ के अपने आप को परेशान कर लो कि यार ये विशेषण क्या चीज होती है, आज तक हमने तो पढ़ी नहीं है। अरे मेरे बच्चे कुछ नहीं होता विशेषण, विशेषण होता है सिर्फ किसी के बारे में अच्छाई बुराई बताना, ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे दोस्त आपको कहना चाहिए वे अच्छी लड़कियां हैं, तो वाक्य में विकारी विशेषण क्या है, और विकारी का मतलब सीधा सा होता है बदलना, किसी चीज में बदलाव का आना, जो विकारी है परिवर्तन हो जाना, सिंपल सी बात, ठीक है। तो मेरे बच्चे आंसर जो आएगा आपका, जो लड़कियों के बारे में बता रहा है कि वे लड़कियां अच्छी हैं, तो अच्छी का मतलब वो विशेषण है, लड़कियों की अच्छाई बता रहा है, ठीक है। तो प्यारे दोस्त आंसर नंबर आपका बी जो हो जाएगा ये विशेषण है, बस इतनी सी बात तुम्हें ध्यान रखनी है, बताइए। कोई फंसेगा इस बात में, कुछ भी नहीं है फंसने के लिए, बस मन से मत हारना किसी भी तरह से, ठीक है। पेपर बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत जबरदस्त। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प चुने, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी भी शब्द का पर्यायवाची दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इसके लिए उचित पर्यायवाची बताओ। अब तुम्हें पता है भैया तिरंगा के पर्यायवाची देखो क्या होते हैं, निशान को भी कहते हैं तिरंगा, निशान भी होता है निशान, पताका, केतु, ठीक है, झंडा, चिन्ह। तो बच्चे लेकिन यहां पर करा सबसे उचित बताइए, जो सबसे इंपॉर्टेंट लगे, सबसे बढ़िया लगना चाहिए, तो बताओ कौन सा है, सब लोग बताइए। ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, रिक्त स्थान की तरह पूर्ति करा रहा है हमसे, ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। तो आंसर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ध्वज, ठीक है, वो आएगा आपका आंसर ध्वज, ठीक है। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे ही पूछ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, हलवा हिंदी आ रही है, बिल्कुल हलवा, ठीक है बेटा। देखो जीएस में आपको थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा, जीएस का कोई लेवल नहीं है बेटा, जीएस कहां से क्या, जीएस तो मैं कहूं अपार है यार, कुछ पता ही नहीं है कहां से क्या पूछ ले, ठीक है दोस्तों। धज्जियां उड़ा दोगे पेपर की मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल मत घबराना। एक यदि एक चीज हार्ड भी है तो उससे भी आप 10-12 क्वेश्चन कर सकते हैं, ये इतना करने लायक आ रही है, ठीक है। बस मन से ही मत हारना, मन के हारे हार मन के जीते जीत होती है दोस्तों, कभी भी याद रखना। जीवन में एक व्यक्ति, तुम क्या समझते हो तैयारी से पेपर होता है, नहीं, पेपर होता है हौसले से। जब आदमी के अंदर जुनून होता है किसी करने की, किसी की लालसा होती है हमारे अंदर, तो हम उसे कर ही जाते हैं, चाहे कितना ही टफ क्यों ना आए। जब पहले ही हार जाएंगे, यार मैं कैसे कर पाऊंगा, ठीक है बिल्कुल, तो फिर मेरे बच्चे इसका मतलब सीधा सा है कि भाई हम तो खुद ही पहले टूट चुके हैं, कभी नहीं कर सकते। आकाश का विलोम पूछा गया है, आज की पहली फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन था, बच्चे ने बताया भैया आकाश का विलोम पूछा है, ठीक है, यदि बताइए क्या हो जाएगा। यदि मेरे बच्चे
आज देखो आकाश का कहकर पूछा है तो क्या बताएंगे आप लोग, आपको कह देना चाहिए भैया पाताल हो जाएगा, आकाश पाताल। कभी कभी दे देता है अंबर का विलोम, बता दीजिए अंबर, तो अंबर का विलोम बेटा अवनी होता है, याद रखना ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, अवनी ऐसे लिखा मिल जाए जब भी सही होगा, और अवनी कभी कभी बड़ी भी दे देता है वो लिख करके ऐसे, तो मेरे बच्चों गलत मत मानना, ये भी अवनी सही माना जाता है ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर है ना। बहुत बढ़िया से बेटा, जंगल है, जंगल है तो जंगल में भैया पेड़ पौधे रहते हैं, इसका विलोम पूछ ले, जंगल के पर्यायवाची तो आपको पता ही है ठीक है, क्या होते हैं, अरण्य होता है, विपिन होता है, कानन होता है ठीक है, बिल्कुल कांतार होता है, बहुत अच्छे से आप याद रखना ठीक है। लेकिन जंगल का विलोम पूछ लिया यहां पर, तो विलोम बताना मेरे बच्चे मरुस्थल, क्या बताएंगे आप लोग मरुस्थल, जंगल हो, जंगल का विलोम होता है मरुस्थल या मरुभूमि, जहां पर भैया पेड़ पौधे नहीं मिलते, मरुभूमि ठीक है ना, याद रखना। उदार, उदार होता है बहुत अच्छा व्यक्ति, और नीच जो होता है वो उदार का भैया विलोम हो जाता है, उदार होता है जो बहुत ही मैं कहूं तो बहुत अच्छे मतलब गुण वाला व्यक्ति जो होता है, हर हमेशा सबका भला चाहता है ठीक है बिल्कुल, और जो भैया किसी का भला नहीं चाहता सिर्फ अपना अपना भला चाहता है, जिसे आप अपनी भाषा में स्वार्थी भी कहते हैं, उदार है तो यहाँ पर महान है वो, तो उदार तो महान हो गया, और भैया इसको नीच कह दीजिए ठीक है, ऐसे आपको आंसर मिल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आज देख बेटा ये करण प्रत्यय को लेकर के क्वेश्चन आया था, करण वाला ठीक है। देख बच्चे शुद्धिकरण को लेकर के बहुत दिक्कत मानते हो ना, बहुत प्यारे बच्चों का आंसर है शुद्धिकरण, बेटा याद रखना शुद्धिकरण ऐसे ही लिखना है। आज पूछा गया है वर्गीकरण वर्तनी, वर्गीकरण वर्तनी पूछी गई थी, याद रखना ठीक है। तो प्यारे बच्चे वर्गी, भैया रे की आवाज यहां पर आ रही है ना, रे आ रहा है रेफ आधा वाला, तो बच्चे वर्गी, तो वर्गी जैसे आप लिखते हो ना मुर्गी ठीक है मेरे बच्चे, मुर्गी ऐसे लिखते हो ना मुर्गी, ऐसे ही आपको वर्गी लिखना है वर्गी। और दोस्तों करण, वर्गीकरण ऐसी, ये वर्तनी आई है, बताइए कौन नहीं लिख सकता इसे, सब लिख सकते हो भाई ठीक है ना, बस थोड़ा सा मन से एकदम। युधिष्ठिर बेटा, युधिष्ठिर तो बिल्कुल आपने सही तो लिखा है बच्चे, युधि बेटा एक बात सुनो, देखो युधि ठीक है, और प्यारे बच्चे स्थिर ठीक है ना, युधिष्ठिर बच्चे ऐसी तो लिखना है, कुछ भी गलत नहीं करना ठीक है। चलो तो आंसर नंबर बी होगा आपका यहां पर, बिल्कुल ऐसे सही हो जाएगा ठीक है ना। हाँ एक बेटा ज्योत्सना में बच्चा कुछ दिक्कत मान रहा था, ज्योत्सना याद रखना बेटा, गलत मत कर देना मेरे प्यारे दोस्त, ज्योत्सना ते और शे दोनों आधे आएंगे बीच में, याद रखना इसे गलत मत कर देना पेपर में ठीक है ना। चलो आइए, तो बच्चे बी आंसर आपका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आया बच्चे 11, जिसकी ये आज का क्वेश्चन है दोस्त, आज की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखो, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, बताइए सब लोग। बेटा हथनी में बार बार बता चुका हूं दोस्तों, गलती मत कर देना, हथनी ऐसे ही लिखना बेटा ठीक है, हथनी ये उस दिन क्लास में मैंने पढ़ाया था, आज फिर बता रहा हूं, गलत मत कर देना भी बबलू ठीक है, दिवाकर मेरे भाई, रविकर, दिवाकर, प्रभाकर मेरे मुदंड मार्तन, याद रखना ठीक है। हाँ चलो, हाँ बताएंगे बेटा, सचल का विलोम पूछा था बच्चे एक दिन पेपर में, सचल का विलोम, सचल नहीं सॉरी अचल का, अचल का विलोम मैंने आपको खूब पढ़ाया हुआ है, अचल का विलोम होता है बेटा या तो आप सचल बता देंगे या प्यारे बच्चे आप चल बता देंगे ठीक है, दोनों राइट आंसर होते हैं, ध्यान रखना ठीक है ना। चलो तो बच्चे आपको कहना चाहिए पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। क्लास में मैंने पढ़ाया था कि जिस जब हम छोटे छोटे क्लास में पढ़ते थे तो जो हमारे सर में तेल लगा के कागज ले लेते, किसी कॉपी का फाड़ लेते थे, उसे सर से ऐसे करके घिसके तेल लगा कहते थे आर पार दिख रहा है ना, तो बच्चे यही चीज मैंने आपको पेपर में प्रैक्टिकली ऐसे ही बताया था, क्या बताया था इसी प्रकार ठीक है ना। तो याद रखना बेटा उसे पारदर्शी कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आया बेटा 12, आजकल के नौजवान, देखो ये करा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, आजकल के नौजवानों में बुजुर्गों की डैश खराब कर रखी है, बताओ बेटा क्या खराब कर रखी है, व्यवहारिक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा ठीक है, सब लोग बताइए। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा क्या करना है बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 में जिसको आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शिता ही तो कहते हैं, बिल्कुल पारदर्शिता है, बिल्कुल सिंपल है ठीक है। चलो हाँ, देखा नहीं जा सके, अच्छा पीछे क्या है, जिसके आर पार देखा नहीं जा सके, अच्छा ने कहा है तो बच्चे हाँ इसके आगे अपार, ए लग जाएगा, अपारदर्शी ठीक है बिल्कुल, अपारदर्शी ने हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल ठीक है, जिसके देखा जा सके वो पारदर्शी, बहुत बढ़िया हाँ बिल्कुल सही बात है, क्लियर चलो बहुत सही। हाँ जिसके पीछे जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं, जिसके पार देखा ना जा सके उसे अपारदर्शी कहेंगे ठीक है, ए लग जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन कहता है, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डैश खराब कर रखी है, क्या खराब कर रखी है एक बार सही बताइए, मिट्टी खराब कर रखी है, बालू खराब कर रखी है ठीक है, हाँ बताएंगे दोस्तों। हाँ हाँ बेटा टाइपिंग, अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पता चलता है ना, जल्दी जल्दी टाइपिंग कराते हैं ना उसे, तो फिर
टाइप इस्ट महोदय कर देते हैं जल्दी से। चलो कोई बात नहीं है, उसे हम खुद सही कर लेंगे बोर्ड पर। चलो सब लोग बताइए आगे। तो आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की देश खराब कर रखी है, मिट्टी बालू सूरत दिमाग। तो क्या कहते हैं, मिट्टी खराब कर रखी है। ठीक है, बोलते हैं ना कि यार इसने अपने मां बाप की मिट्टी खराब कर दी। ठीक है, हाँ बेटा अजीत क्वेश्चन गलत, 11 क्वेश्चन को सही कर तो दिया है मेरे दोस्त, सही रखो याद उसे, है ना, जिसकी पारदर्शी देखा जा सके ना देखा जा सके, क्लियर कर सकते हैं, ए लगा करके बच्चे इसको बदल सकते हैं। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 12, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की देश खराब कर रखी है, तो प्यारे बच्चे मिट्टी खराब कर रखी है। ठीक है, ये सिंपल शब्द होते हैं जो हमारे जीवन में प्रयोग किए जाते हैं, है ना, हमारे दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं बोलचाल में, ऐसा याद रखो। ठीक है ना, हाँ ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो एक मेरा बच्चा कह रहा है सूर्य का विलोम, बेटा सूर्य का विलोम तो अंधेरा ही करेगा तू। ठीक है चलो, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, तो इस वाक्य में लिखवाया में कौन सी क्रिया है बताइए बच्चे। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है, आपका आंसर क्या होगा? दिमाग होगा? नहीं बेटा रोशन, दिमाग नहीं खराब कर रखा, देखिए मिट्टी खराब कर रखी है, क्रिया के हिसाब से आंसर दीजिए। ठीक है चलो सब लोग बताएंगे, तो बच्चे आपको पता है यहां पर आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा प्रेरणार्थक क्रिया, ए आंसर आपका सही होता है बिल्कुल। तो यही चीज आपको पेपर में ध्यान रखनी है, जहां पर कोई कार्य कोई करवाया जा रहा हो तो आपको वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया बतानी है। ठीक है बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, नाम धातु, प्यारे बच्चे नाम धातु की बात आई, नाम धातु की, तो नाम धातु क्या है, नाम धातु क्रिया भी पूछ सकता है। नाम धातु क्रिया क्या होती है, जो संज्ञा से बनती है ना, जो संज्ञा से, जैसे मैंने कहा लात, ठीक है बच्चे, तो लात एक संज्ञा है ना, कहते हैं लात मारना, तो प्यारे बच्चे लात से बन जाएगा लतियाना। ठीक है, तो बच्चे याद रखना इन चीजों को, लतियाना। ठीक है, तो लतियाना नाम धातु क्रिया हो गई। मैंने कहा बात, यार बात चल रही है, तो बात से बनगा बतियाना। ठीक है बच्चे, तो याद रखना ये छोटी छोटी बातें भी, बतियाना। ठीक है भाई, दिमाग लगा लेना छोटा सा। ठीक है दोस्तों, हाँ फिर आया बच्चे संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया वो क्रिया होती है दो क्रियाओं से मिलकर बनती है, जैसे मैंने कहा राम, जैसे बच्चे मैंने कहा राम मेरे घर, राम मेरे घर आता जाता रहता है, आता जाता रहता है। ठीक है, मेरे घर आता जाता रहता है, आना और जाना, तो ये संयुक्त क्रिया हो जाती है दो क्रियाएं मिलकर। ठीक है ना, याद रखना। पर्यायवाची में बहुत डर लग रहा है, ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा दोस्त, तो पर्यायवाची से आप डरोगे यार, मेरे को सिंपल तो यार चीजें आ रही है, फिर भी आप बताओ क्यों घबरा रहे हो यार। ठीक है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे बिल्कुल भी। ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखो, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। आप भला तो जग भला रेखांकित, रेखांकित शब्द में कौन सा समास सर्वनाम है बताइए बच्चे। आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है बताइए बच्चे, आपकी तरफ से आंसर चाहता हूं, जल्दी से बताइए। चलो सब प्यारे बच्चे बताएंगे, जिसकी गर्दन सुंदर हो बेटा वो सुग्रीव होता है। ठीक है, हाँ सब लोग जल्दी से आंसर करिए। चलो, आप भला तो जग भला में रेखांकित सर्वनाम पूछा गया है आज भी क्वेश्चन में, तो याद रखिए बच्चे, बताइए कौन सा आंसर सही होगा आपकी तरफ से, अपने दिमाग से पढ़कर बताइए भाई। जब मैंने बताया, हम खुद के लिए कोई बात बोलते हैं कि मैं अपने आप कर लूंगा, मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, ठीक है, आप पापा मम्मी साथ हैं, मम्मी पापा ने कहा भाई चलो अब देर रात हो गई है चलते हैं घर, भाई चल बच्चे चलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, नहीं पापा आप जाइए मेरे कुछ दोस्त हैं मैं अपने आप आ जाऊंगा, ठीक है मैं भी उनके साथ हूं मैं अपने आप आ जाऊंगा आप चलिए। ठीक है, जब आप स्वयं डिसीजन अपने कार्य के लिए ले रहे हैं तो आप निज अपना कार्य खुद संभाल रहे हैं, तो आप निजी हैं, अपना मामला खुद अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चे वहां पर आपका निजवाचक सर्वनाम होता है, मैं अपने कपड़े अपने आप धोलूंगा, तो अपने आप धोलोगे स्वयं धोलोगे, तो बच्चे खुद का मतलब हो गया मेरे बच्चे, क्या हो गया आपका आंसर, सी हो गया निजवाचक। बेटा महातम्य को लेकर के सब बच्चे बड़े दिक्कत मान रहे थे, तो बच्चे मैं आज फिर बता रहा हूं, महा प्यारे बच्चे तम्य, ठीक है ना, महातम्य ऐसे ही सही लिखा जाएगा, गलत मत कर देना, कहीं कहीं आपको दिखेगा महातम्य ऐसे, है ना, महातम्य ऐसे लिखा मिलेगा, लेकिन मेरे बच्चे आपका आंसर ये रॉन्ग होगा, ये गलत होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना आप लोग, क्लियर है। हाँ, विद्युत का बेटा विलोम नहीं आया था, विद्युत का पर्यायवाची आया था बिजली का। ठीक है, याद रखना। तो बच्चे अनिश्चय कौन क्या, जिसका हमें पता नहीं होता वो अनिश्चय होता है। ठीक है, उज्ज्वल में बेटा दोनों जो आधे होंगे, ठीक है ना बिल्कुल। तो मेरे बच्चे अनिश्चय, पुरुषवाचक सर्वनाम आपको पता है तीन होते हैं, उत्तम होता है मेरे बच्चे, उत्तम होता है जो कहने वाला होता है, मध्यम होता है बच्चे सुनने वाला, मध्यम होता है सुनने वाला, और प्यारे बच्चे अन्य होता है जिसके बारे में हम दो लोग आपस में बात कर रहे हो। मैंने कहा यार सोनू, सोनू मेरे सामने खड़ा, यार राम अच्छा लड़का नहीं है, ठीक है यार सोनू राम अच्छा लड़का नहीं है, तुम उससे ज्यादा वास्ता मत रखा करो, तो इसका मतलब सीधा है मैं कौन हुआ, उत्तम हुआ,
शोनु कौन हुआ? मध्य हुआ, और राम कौन हुआ? अन्य हुआ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि यार राम अच्छा इंसान नहीं है, उससे ज्यादा वास्ता मत रखा करो, ठीक है? तो ध्यान रखना प्यारी बच्ची, और निश्चय तो आप जानते ही हैं, ठीक है? निश्चय तो आप जानते हैं बेटा, जिस वाक्य को आप ऐसे बोलेंगे, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, यह मेरा फोन है, तो यह मेरा पेन है, यह मेरा फोन है, यह मेरा घर है, तो मेरे बच्चे आप निश्चितता का बोध करा रहे हैं, तो आपको सीधी सी बात है वहां पर तो आप निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कर ही रहे होंगे, ठीक है? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देंगे सभी प्यारे बच्चे अपनी अपनी कलम से जल्दी से, ठीक है? चलो, मुहावरे बड़े साधारण आ रहे हैं, बड़े सिंपल मुहावरे पूछ रहा है, बिल्कुल मत फंसना। हाँ, ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है बेटा किसी की मांग ज्यादा और उसको बहुत थोड़ा सा चीज मिलना है ना। ठीक है भाई, चलो बताइए बच्चे, बोलेंगे प्यारे बच्चे, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति के लिए उपयुक्त अर्थ क्या होता है? घाट घाट का मतलब होता है जगह जगह, जगह जगह, ठीक है? तो मान लीजिए आप अनेक जगह घूमकर आए हैं और अनेक जगह का आपको या बच्चे क्या है जानकारी है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसका सीधा मतलब है कि आपको अनेक क्षेत्रों का क्या है जानकारी है, ज्ञान है, ठीक है? तो मेरे बच्चे आंसर नंबर ए होगा आपका, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है भाई? ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है ना दोस्तों? बहुत सुंदर, ठीक है? चलो, निम्न में कौन सी वर्तनी सही है? वर्तनी बताएंगे बच्चे, वर्तनी से क्वेश्चन है तो बताइएगा। ये वर्तनी मैंने खुद रखी है अपनी तरफ से आज, क्योंकि ये वर्तनी मैंने बहुत आपको पढ़ाई भी नहीं थी, इसलिए बच्चों मैंने आज ये क्वेश्चन रखा है ना। हाँ चलो बताइए बच्चे, बेटा वचन का बहुवचन दो ही तो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे मैंने कहा लड़का एक वचन, लड़के कह दिया बहुवचन हो गया, ठीक है? तो वचन का क्या बहुवचन बना, बहुवचन का क्या बनाओगे बताओ? वचन दो ही तो होते हैं, सब लोग बताइए। तो प्यारे दोस्त ये वर्तनी आप बताएंगे एक बार जल्दी से, ठीक है? हाँ बच्चे, एक वर्तनी दैहिक, दैहिक भी याद रखना, दैहिक है ना, इस प्रकार। और बच्चों एक वर्तनी अधीन को प्यारा बच्चा बहुत ज्यादा पूछता है, अधीन ऐसे लिखना, अनधिकार बच्चे, अनधिकार ऐसे लिखना, ठीक है ना? याद रखना भाई, गलत मत करना ज्यादा चीजें, ठीक है? हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। एक मंत्री परिषद को बहुत ज्यादा प्यारा बच्चा पूछता है, मंत्री परिषद। बेटा ये चीज आप लिख लिख कर देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया, गलत को बिल्कुल पढ़ना बंद कर दीजिए, सही को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, है ना? बिल्कुल, ठीक है ना दोस्तों? बताइए सभी प्यारे बच्चे एक बार अच्छे से, तो सभी का आंसर क्या होगा एक बार आपकी कलम से बताइए जल्दी से, ठीक है? चलो हाँ बताइए बच्ची, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? लाला, लाला यित, ठीक है? ललायित, तो शब्द हो जाएगा हमारा कौन सा लिखा हुआ है, ऐसे तो नहीं लिख रहा है, ये भी गलत लिख रहा है। आंसर नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चे सी आपका, बिल्कुल राइट, इस प्रकार आपको ललायित लिखना है ना, बिल्कुल गलत मत पढ़ना इस समय, ठीक है दोस्तों? झाड़ू बेटा लिखना, मैंने 35 बार बता दिया आपको, एक बार भी याद नहीं रहा, झाड़ू, ठीक है बच्चे? झाड़ू ऐसे लिखना, झाड़ू। 2018 SSC GD के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ, शुद्धिकरण बेटा बुक में कैसा है कुछ पता नहीं, मैंने जैसे बताया याद रख लो, ठीक है? बड़ी ई लिखना बस, मैंने आपको बता दिया एक बार नहीं 200 बार बता दिया बेटा, शुद्धिकरण याद रखना बस, ठीक है? क्लियर है ना? एक दो शब्द इसमें ऐसे हैं जो वैसे अधिकरण कारक है, वो इसके अपवाद है, वरना मेरे दोस्त करण प्रत्यय के लिए बड़ी ई से मेल करना होता है, ध्यान रखो, ठीक है दोस्तों? याद रखेंगे, ठीक है बच्चे? एक शादृश्य शब्द को बहुत ज्यादा बच्चा पूछता है, शादृश्य ऐसे लिखना बेटा, शादृश्य सही है ना, बिल्कुल गलत मत लिख देना, गलती मत करना। चलो चलो, व्यावहारिक बेटा सही लिखा हुआ है इस वाक्य में बेटा, अब यहां पर सबके यदि डाउट लूंगा तो शाम को 4 बजे तक लिखता रहूंगा, है ना? बिल्कुल, सब बच्चे बताइए एक बार राइट आंसर। इस वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है एक बार सभी बच्चे बताएंगे, त्रुटि बताना है कौन सी जगह त्रुटि है, और त्रुटि जो मिल रही है बड़ी सिंपल सी मिल रही है, बड़ी छोटी सी त्रुटि मिल रही है पेपर में, ध्यान रखना सब दोस्त, है ना? सब लोग बताइए इस वाक्य में अशुद्ध वाक्य का चयन करें। जो स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं करती, तो बच्चे बताइएगा यहां पर राइट आंसर आपका कौन सा होगा, किस भाग में गलती है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन पहले आया था कि बुद्ध देव ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए, तो प्यारे बच्चे वह पाली भाषा में क्या किया हुआ था, बड़ी वाली ई की मात्रा लगा रखी थी जो गलत मानी जाती है मेरे बच्चे, इसमें पाली भाषा में छोटी ई मानना, याद रखना, ठीक है? बिल्कुल, तो बच्चे इसी प्रकार यहां पर जो स्त्री लिखा हुआ है, ये स्त्री में बच्चों उसने छोटी ई लगा दी, जो बड़ी ई की मात्रा आती, यही छोटी सी त्रुटि हमारे सामने है, सारे वाक्य में कोई गलती नहीं है। जो स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं करती, हमारा वाक्य सही है, बस गलती है तो बेटा स्त्री, आप पर त्रुटि है वाक्य में, ठीक है? ऐसा ही आज एक वाक्य आया था, है ना? ऐसा ही एक वाक्य आया था आज भी, जहां पर प्यारे बच्चे आशीर्वाद में बेटा मैंने कितनी बार बता दिया, आशीर्वाद आपको ऐसे ही लिखना है, आशीर्वाद रेसे ई के बाद बोला जा रहा है, तो आप भी बाद ही बोलना है ना, ऐसे ही आपको उज्ज्वल भी लिखना है, उज्ज्वल,
उज्जवल भी लिखना है, कवयत्री भी लिखना है बच्चे, कवयत्री। एक बच्चा ग्रुप में मैसेज कर रहा था, श्रृंगार। मेरे बच्चे मैंने कितनी बार बताया है, याद रख श्रृंगार, ठीक है ना। ये वर्तनी पूछी जाती है यार, पेपर में आती है हमेशा, ठीक है, याद रखो। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे बच्चे आंसर यहां पर रहेगा आपका राइट, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, हाँ हाँ बेटा, महत्व में यहां पर द्वित व्यंजन होना चाहिए था, महत्व, ठीक है, महत्व। ये टाइपिस्ट जी ने किया है, वैसे ये सही था, है ना, यहां पर ही गलती नहीं थी, टाइपिस्ट जी ने कर दी अपनी तरफ से, है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे स्त्री यहां पर देखो, मुख्य गलती स्त्री की है, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसको आपको पेपर में नहीं मिलेगा, ठीक है, पेपर में आपको बिल्कुल सही मिलेगा, ठीक है ना। हाँ चलो आइएगा क्वेश्चन नंबर, बच्चे आप बताएंगे, आप प्यारे बच्चे, आपके सामने है गद्यांश, आज गद्यांश आया था ट्रेन से, आज गद्यांश आया था ट्रेन से, ठीक है, ट्रेन का गद्यांश था, बिल्कुल सिंपल गद्यांश था, बच्चे बता रहे थे भैया दोनों शिफ्टों में गद्यांश बिल्कुल साधारण था, हम सब लोग उसको बहुत आराम से कर पाए, कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है, बचपन जीवन का सबसे कैसा समय होता है बेटा, अच्छा होता है, बुरा होता है, उचित होता है, उत्साह होता है। इसी प्रकार कल भी कुछ बच्चे कह रहे थे क्या कि भैया समय नहीं काल नहीं बेटा, जब आपको तत्सम भाषा सारे सब तत्सम में मिल रहे हो, संस्कृत भाषा का वहां उपयोग हो रहा हो, तो आपको समय ना कह करके आपको काल कहना होगा, मेरे बच्चे याद रखो, ठीक है। बचपन जीवन का सबसे, ठीक है, बचपन जीवन का सबसे अच्छा, बुरा, उचित या उत्साह, तो यहां पर आना चाहिए अच्छा समय होता है, ठीक है, अच्छा समय होता है, ये आपको भी पता है। इस दौरान बच्चों के मन में खुशी के, ठीक है, खुशी के दिन पर अलग ही उत्साह रहता है, अवसर पर अलग ही उत्साह रहता है, महीने या वर्ष। तो आपके सामने एक ही आंसर इतना इंपॉर्टेंट है, जो अच्छा भी लग रहा है और हमको लेना भी वही चाहिए, तो यहां पर हमें कहना चाहिए अवसर, ठीक है, खुशी के अवसर पर, ठीक है बच्चे, अवसर पर अलग ही उत्साह रहता है। बात अगर इनके डैश मतलब ये डैश के जन्मदिन की हो तो कहना ही क्या, ठीक है, आप साथ खुद या दूसरों के, तो क्या कहेंगे आप लोग यहां पर, यदि इनके खुद के जन्मदिन की बात हो तो कहना ही क्या है, पूरे उछलेंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, है ना। तो बच्चे यहां पर आना चाहिए जन्मदिन की बात इनके खुद की हो, इनका ही जन्मदिन हो, किसी दोस्त मित्र का ना हो करके, तो बच्चे ये उछल देंगे, मजा लेंगे पूरा, है ना। यदि खुद के जन्मदिन की हो तो कहना ही क्या, अपने जन्मदिन के दिन बच्चों को डैश भाई बहन और अपने चाहने वालों एक से एक बढ़कर डैश की उम्मीद लगी रहती है, या दिन बच्चों को माता पिता और अपने चाहने वालों, चाचा चाची और अपने चाहने वालों, भाई भाभी या अपने चाहने वालों, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा। आप तुम कहोगे कि भैया भाई बहन भी रिश्ते में आते हैं, चाचा चाची भी आते हैं, भैया भाभी भी आते हैं, लेकिन दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट जो रिश्ता होता है वो माता पिता का होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखेंगे आप लोग, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर भी। तो आप आगे पढ़िएगा कि दिन बच्चों को माता पिता और अपने चाहने वालों एक से बढ़कर चाहने वालों एक से बढ़कर एक डैश की उम्मीद लगी रहती है, आहार की, विरासत की, बच्चे उपहार की या त्योहार की। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चे कैसे लिखेंगे। बेटा अंजलि यादव, प्राधिकरण में बच्ची छोटी ही बनेगी, क्योंकि बच्ची आप इसको बड़ी बोलकर बोर बना ही नहीं सकते, ये अपवादित शब्द है बच्ची, ठीक है। चलो तो बेटा यहां पर आंसर आएगा आपका उपहार, ठीक है, क्या आएगा भाई उपहार, आंसर होगा आपका उपहार, ठीक है, उपहार की उम्मीद लगी रहती है। तो प्यारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन थे, इनमें दो चार पांच क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से रखे हैं, बाकी क्वेश्चन जो मुझे मिले आज के आप जैसे प्यारे बहन भाइयों से बात करके वही क्वेश्चन मैंने रखे, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से दो चार क्वेश्चन इसमें जोड़े हैं, सब नहीं जोड़े, ठीक है ना, सिर्फ तो आपको याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से अपना भी पेपर देंगे। और जी देखो बात सुनो, जिन प्यारे बच्चों का पेपर होता है यार, वो कम से कम बता दिया करो, ग्रुप में डाल दिया करो, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि आपके भाई बहन यदि और किसी का अन्य दूसरे दिन पेपर है तो कम से कम उसको ये एक आइडिया मिल जाता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसी तैयारी मेरी अच्छी खासी है, ठीक है ना। तो उसको फिर अंदर से उत्साह रहता है, उसका भी एक मोटिवेट रहता है अपने आप में कि हाँ भी मैं भी अच्छे से कर पाऊंगा एग्जाम को, है ना। आपका क्या जाएगा, कुछ नहीं, आपका एग्जाम तो हो चुका है, उसको भी मिल जाएगा कुछ, तो उसको भी थोड़ी आसानी हो जाएगी, और पेपर का लेवल बिल्कुल आराम से आ रहा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो प्यारे मेरे बहन भाई सभी से मेरी ये उम्मीद है कि जिस जिसका कल पेपर हो क्वेश्चन जरूर बताना, ठीक है। मान लीजिए दो चार पांच ज्यादा तो याद नहीं रह पाते, तो मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं, लेकिन दोस्तों हाँ देखो एक बालक शुद्धिकरण फिर कह रहा है, मेरे बच्चे मैंने बता दिया बहुत बार, बड़ी ही बना बस, ठीक है, गलत मत कर बेटा, कैलाश में छोटा शय बना, ठीक है, वरना गलती हो जाती है, फिर आप मुझसे ये कहते हो भैया आपने पहले तो ऐसे बताया था वैसे बताया, ये चीजें आप मुझे एकदम हबड़ बबड़ कर देते हो, तो मैं भी फिर एकदम यार इसका भी बता दूं, इसका भी बता दूं, इसका भी ना, इसकी भी ये ना रह पाए, सबकी मतलब डिमांड पूरी करने के लिए मेरे अंदर से
जिज्ञासा रहती है बस, कि बस किसी का कोई क्वेश्चन है वो रह ना पाए, है ना। तो इसलिए दोस्तों आपसे मेरी उम्मीद है मेरे बहन भाई कि सब लोग मेहनत करिएगा जबरदस्त, है ना, सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल साधारण वर्तनी आ रही है, आप कुछ नई वर्तनी नहीं आ रही, ठीक है ना। शूर्पणखा बेटा मैंने बता दिया, शूर्पणखा बोलते हैं, स छोटे की मात्रा, र ऊपर चढ़ता है पैके, अणखा, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो तो सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद। जिसका आंसर नहीं दे पाया उसके लिए सॉरी बच्चे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा उसका आंसर, अपना क्वेश्चन लिख देना वहां पर, ठीक है। चलो तो मिलेंगे कल, सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार, जय हिंद।